साथियों, आज बागपत, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिवस है। दो बड़ी सड़क परियोजनाओं का आज लोकार्पण किया गया है। एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पहला चरण और दूसरा ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरी एक्सप्रेसवे पर 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किए गए हैं, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अभी के हिस्से पर लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है। आज जब इस नई सड़क पर चलने का मुझे अवसर मिला तो अनुभव किया कि 14 लेन का सफर दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन को कितना सुगम बनाने वाला है। कहीं कोई रुकावट नहीं, एक से एक आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल, कंक्रीट के साथ हरियाली का भी मेल। भाइयों और बहनों, सिर्फ 18 महीने में ये काम पूरा हुआ है। आज 14 लेन की 9 किलोमीटर सड़क का लोकार्पण हुआ है, लेकिन इस 9 किलोमीटर का भी कितना महत्व है, वो दिल्ली के पटपड़गंज, मयूर विहार, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, वैशाली और नोएडा के लोगों को भली भांति पता है। साथियों, जिस रफ्तार से ये 9 किलोमीटर की सड़क बनी है, उसी रफ्तार से मेरठ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम करके जल्द ही दूसरे चरण को भी जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो मेरठ से दिल्ली की दूरी सिर्फ 40-45 मिनट रह जाएगी। साथियों, दिल्ली एनसीआर में सिर्फ जाम की ही समस्या नहीं है, प्रदूषण की भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो साल दर साल और विकराल रूप लेती जा रही है। प्रदूषण की समस्या का एक कारण दिल्ली में आने जाने वाली गाड़ियां और लंबे ट्रैफिक जाम है। हमारी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली के चारों ओर एक्सप्रेसवे का एक घेरा बनाने का बीड़ा उठाया। ये 2 चरणों में बनाया जा रहा है। इसमें से एक चरण यानी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का भी थोड़ी देर पहले मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। भाइयों और बहनों, दिल्ली के अंदर आज जितनी गाड़ियां पहुंचती हैं उसमें से अब लगभग 30% की कमी आ जाएगी, वो बाहर से बाहर निकल जाएगी। ना सिर्फ बड़ी गाड़ियां और ट्रक बल्कि 50,000 से अधिक कारों को भी अब दिल्ली शहर के अंदर एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था इससे निर्माण हुई है। इतना ही नहीं, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अपने आप में
देश का पहला एक्सप्रेसवे जो एक्सिस कंट्रोल रोड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, ये सड़क सिर्फ 500 दिन में बनकर तैयार हुई है। साथियों, ये दोनों जो बड़े प्रोजेक्ट आज आप सभी की सेवा के लिए तैयार हैं, ये पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। बिजली की जरूरत भी यहां सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा से पूरी की जाएगी, यानी समय की भी बचत, प्रदूषण भी कम, ईंधन भी कम, और पश्चिम यूपी से दिल्ली दूध, सब्जी और अनाज पहुंचाना भी अब आसान हो जाएगा।